कि कौन सा कॉपर से आप कॉपर का केडियम बना सकते हो। ठीक भाई, इस ये वाला जो कॉपर है इसमें क्या कॉपर का केडियम बनता है? ये वाला जो कॉपर है क्या इसमें भी कॉपर का केडियम बनता है? ये जो मोटर का जो वेल्डिंग तार है क्या उसमें भी कॉपर का केडियम बनाया जा सकता है? ये कॉपर का जो ज्वेलरी है क्या हम उसी को मेल्टिंग करके कॉपर का केडियम बना सकते हैं? हाँ, और वो ब्राउन कलर का बन गया, वो बढ़िया तरीके से बना है कि नहीं? ये 10 ग्राम का आपने केडियम बनाया, परफेक्ट केडियम तभी बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेकिया सीखो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा कॉपर से आप कॉपर का केडियम बना सकते हो, कौन सा कॉपर होना चाहिए, क्योंकि कई सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि कार्तिक भाई इस ये वाला जो कॉपर है इसमें क्या कॉपर का केडियम बनता है? ये वाला जो कॉपर है क्या इसमें भी कॉपर का केडियम बनता है क्या? तो आज के वीडियो में पूरा कंफ्यूजन मैं क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, कार्तिक मेरा नाम है और आप सभी को आसान ज्वेलरी सिखाना मेरा काम है। दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, एक भाइयों ने मुझे कमेंट में पूछा कि जो मोटर का जो वेल्डिंग तार है, मतलब मोटर के अंदर जो वेल्डिंग कॉपर का तार घुमाते हैं, क्या उसमें भी कॉपर का केडियम बनाया जा सकता है? नहीं भाई साहब, वो कॉपर अलग है। ठीक है, उसमें कॉपर का केडियम नहीं बनाया जा सकता है। मैं फोटो लगा दूंगा किस कॉपर से केडियम बनाया जा सकता है। देखिए, इसके बाद और एक भाई ने कमेंट में पूछा है कि कॉपर का जो ज्वेलरी है क्या हम उसी को मेल्टिंग करके कॉपर का केडियम बना सकते हैं? ठीक है, नहीं भाई साहब, उसमें भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर का ज्वेलरी जो है उसमें ऑलरेडी केडियम है। ठीक है, उसका एक अलग मेल्टिंग से बनता है, तो उसमें ऑलरेडी केडियम है। उसके ऊपर अगर फिर से आप जस्ता चढ़ाओगे यानी जिंक चढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, और अलग कम्बिनेशन बन जाएगा। तो वो ज्वेलरी बना हुआ उसकी को अगर मिक्स करके मेल्टिंग बना के आप कॉपर का केडियम बनाओगे तो उसमें भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको कॉपर का जो रॉ है यानी कि प्योर कॉपर, ओरिजिनल जो 100% कॉपर है, उसी में करना पड़ेगा। एक भाई ने कमेंट किया है कि कार्तिक भाई आपने जो फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने केडियम बनाया था और वो ब्राउन कलर का बन गया, ठीक है, क्या ये सही है? देखिए भाई साहब, कलर कोई भी हो, कॉपर का केडियम आपने बना लिया है तो उसके बाद आप क्या करिए कि उसको वजन करिए। क्यों वजन करने के लिए कह रहा हूँ, उसका एक कारण है। वजन करने से आपको ये पता लग जाएगा कि कॉपर का जो मेल्टिंग है वो बढ़िया तरीके से बना है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 ग्राम का आपने केडियम बनाया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने केडियम में क्या हुआ कि 9 ग्राम हो गया, 1 ग्राम कम हो गया, यानी जिंक 1 ग्राम उड़ गया है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर वो केडियम को पतला करके चालू करके देखेंगे, अगर सोल्डरिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे किसी भी कलर का बने, ठीक है, ब्राउन बने, ब्लैक बने, येलो बने, ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्या होता है हीटिंग के हिसाब से बन जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि मैंने जो केडियम बनाया है वो सही तरह से सोल्डरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। टोटल बात यही है कि सोल्डरिंग हो रहा है कि नहीं। परफेक्ट केडियम तभी बनेगा जब सोल्डरिंग होगा। तो वो एक चीज ध्यान में रखिए कि मैंने जो केडियम बनाया है ये सोल्डरिंग हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। वजन का मैंने क्यों बताया, अगर वजन कम हो गया तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि मुझे फिर से इतना ग्राम जिंक देके फिर मेल्टिंग करना है, और मेल्टिंग ऐसे नहीं करना है, फिर से वो केडियम को पतला कर लीजिए, रोलिंग मिल से पतला कर लीजिए, रोलर मशीन से पतला करने के बाद उसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लीजिए, फिर से जिंक नीचे रखिए, जो आपका जो मेल्टिंग का जो कढ़ाई होता है ना छोटा सा, उसमें जिंक नीचे डालिए, फिर क्या डालिए ऊपर में केडियम डालिए, मतलब कि कॉपर का जो आधा बनाया हुआ जो कम हो गया वो केडियम डालिए, या अगर नए बनाने वाले हो तो जिंक नीचे होना चाहिए, फिर ऊपर में कॉपर का जो पतला पतला पट्टी है उसको आप पूरा जिंक को एकदम ढक दीजिए चारों तरफ से, ताकि जब मेल्टिंग का जो हीटिंग पड़ेगा उसमें आपका जिंक उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं उड़ेगा तो गारंटी केडियम बनेगा और बहुत आसान तरीके से आप सोल्डरिंग कर पाओगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे कलर किसी का भी बने। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, अब बनाइए। ठीक है,
बनाने के बाद कोई दिक्कत आता है तो फिर से मैं एक मेल्टिंग का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से मेल्टिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान है इसीलिए मैंने मेल्टिंग नहीं कर रहा। आपको देखना है कि मैं दोनों कॉपर को एक साथ जोड़ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर जुड़ जाता है तो केडीएम सही है, ठीक है, और नहीं जुड़ता है तो चाहे गोल्डन कलर का भी बन जाए कोई काम का नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कलर कोई भी बने मैं सोल्डरिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, बस। तो दोस्तों आई थिंक कॉपर केडीएम का जो पूरा इतिहास है मैंने वो समझा दिया है। फिर भी आप और भी कुछ डाउट रह गया हो मन में फिर से कमेंट में बताइए, मैं फिर से अलग एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। जब तक आपका कंफ्यूजन क्लियर ना हो जाए, जब तक आप सही तरीके से ना बना लो और सही तरीके से आप काम ना कर पाओ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, मैं हर बार आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। आपका भाई आपके लिए पूरा हाजिर है, ठीक है। तो आप अगर नए आए हो मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको और भी बढ़िया वीडियो मिलना है, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑल में दबा के रखिए ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।